Welcome everyone, this is Anirudh from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to make sea salt spray at home for messy and beach look. Let's roll the intro. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक सी सॉल्ट स्प्रे एट होम, बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिए। रोज के रोज फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड पोस्ट वहां पर अपलोड करता हूं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही में अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो एक बार बेल आइकन जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ज्यादातर मसल क्लिनिक के फैमिली मेंबर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। चलिए बैक टू द वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है कि सी सॉल्ट स्प्रे घर पे कैसे बनाना। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें बहुत सारे जो फॉरेन के लाइफस्टाइल यूट्यूबर्स थे वो सी सॉल्ट स्प्रे यूज़ कर रहे थे, तो मैंने भी जाके अमेजोन में सर्च किया कि सी सॉल्ट स्प्रे होता क्या है, बिकॉज वैसा लुक आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मेसी एंड थोड़ा सा बीच वाला, जैसे टेक्सचर वाला लुक जिसको बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जितने भी अच्छे ब्रांड के सी सॉल्ट स्प्रे थे वो 1500 के ऊपर ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको घर में ही बना जाए, बिकॉज इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सी सॉल्ट स्प्रे कैसे बनाते हैं, और साथ ही मैं आपको यूज़ करके भी बताऊँगा कि इससे कैसा लुक आता है, और जब भी आपको मेसी एंड बीच लुक चाहिए तो सी सॉल्ट स्प्रे घर पर बना के ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत सेक्सी वाला लुक आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत बेसिक से इंग्रेडिएंट चाहिए जो घर पर अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक गिलास गर्म पानी, और उसके बाद दो स्पून के आसपास रॉक सॉल्ट या फिर जो सेंधा नमक होता है जिसको हम सी सॉल्ट बोलते हैं। साथ ही में कोई सा भी जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी आप ले सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, तो उसके एक चम्मच चाहिए। एक चाहिए विटामिन ई की पिल, जो इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप में अवेलेबल है। अब आपको क्या चाहिए, एक स्प्रे की बॉटल चाहिए जिससे आप स्प्रे कर सको। सबसे पहले जो गर्म पानी है उसको जो स्प्रे वाला बॉटल है उसमें ऐड करना है, और इसी में ऐड करना है या तो आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी ले सकते हैं। साथ ही में ऐड करना है एक टेबलस्पून के आसपास कोकोनट ऑयल, और साथ ही में आपको ऐड करना है जो विटामिन ई का पिल आता है उसको कट करके उसी में ऐड करना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने ऑयल क्यों मिलाया, ताकि आपके जो हेयर हो वो रफ ना हो, हेयर को अच्छे से नरिशमेंट मिले। इस वजह से या तो आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही में जो विटामिन ई ऐड किया हुआ है जिससे आपके हेयर और ज़्यादा अच्छे होंगे। अब इसको क्या करना है, अच्छे से शेक करके मिक्स कर लीजिए। अब इसको कुछ देर के लिए रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए, देन आपको अप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल हेयर में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और थोड़े से जो टॉवल रहता है उससे थोड़ा सा टॉवल ड्राई कर लीजिए। अब क्या करिए, जो सी सॉल्ट स्प्रे आपने बनाया हुआ है इसके 4-5 स्प्रे अपने हेयर पे लगाइए। अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है तो आप वैसे ही रख के थोड़ी देर वेट कर सकते हैं ताकि आपके हेयर सूख जाए, बिकॉज स्टाइलिंग हमको बाद में करनी है। अगर आपके पास ब्लो ड्रायर है तो टेम्परेचर उसका 0 में रखना है आपको, बिकॉज हीट अप्लाई नहीं करनी है, नॉर्मल जस्ट आपको ब्लो करना है, जिससे क्या होगा आपके जो सी सॉल्ट स्प्रे है वो अच्छे से सूख जाएगा, जिससे बहुत अमेजिंग टेक्स्चर आएगा। जब आपका हेयर ड्रायर से सूख जाए तो कोम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने हाथों से बहुत अमेजिंग सा मेसी लुक आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी बीच में जा रहे हैं या फिर किसी कैजुअल पार्टी में जा रहे हो तो ये लुक बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज थोड़ा सा मेसी होता है, साथ ही में बहुत सारा टेक्सचर दिखता है इस हेयर में, और अगर आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है तो आपके हेयर को बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा। और एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा, अगर आप पार्टी से वापस आ गए या फिर किसी फंक्शन से, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल वाटर से उसको वॉश करना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट ज़्यादा देर तक अगर आपके हेड में रहेगा जिससे आपको इरिटेशन हो सकता है, यूजुअली कुछ बुरी बात नहीं है। देन ऑल्सो लाइक किसी को सॉल्ट सूट नहीं करता है, इस वजह से जब भी आप किसी पार्टी में जा रहे हो उसके पहले एक दो बार ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसा होल्ड मिलता है, कैसा टेक्सचर मिलता है, साथ ही में कितना अच्छा वॉल्यूम मिलता है। तो इसको ज़रूर आप यूज़ करिएगा, और एक बॉटल अगर आप बनाएंगे तो एटलीस्ट 15 डेज तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमने ना तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया ना तो कोई ऐसी वैसी चीज़, इस वजह से सारी चीज़ें नेचुरल है और बहुत अमेजिंग लुक देता है। और अगर आपको भी बीच या मेसी लुक चाहिए तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिकॉज जो मार्केट में मिलने वाले सी सॉल्ट स्प्रे रहते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि हम घर में ही बना सकते हैं। और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, यहाँ लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ इट डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।
कीप पंपिंग स्टेबलाइज।